नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर आई है, भर्ती निकली है। दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ाई फॉर यू चैनल पर जितने भी भर्तियाँ निकलती हैं डेली, उनकी वीडियो उसी टाइम अपलोड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल होता है दोस्तों, जो भी सिलेबस है, उनकी वीडियो भी अपलोड कर दिए जाते हैं। अभी जैसे जो भर्तियां निकली हैं, पंचायत सेक्रेटरी की निकली हैं, कैनाल पटवारी की, पटवारी की, और हरियाणा पुलिस की जो भी भर्तियां निकली हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, स्टडी मटेरियल्स है, तो उसके वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। 1207 पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट टॉप में ही है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1207 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। हम इसको बोलते हैं ABRC। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और चेक करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह इन्होंने इसके अंदर कितनी मांगी है। तो ये डाउनलोड जो है हो चुका है। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का 1207 पोस्ट के रिगार्डिंग। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये भरने स्टार्ट हो जाएंगे अभी 18 जून से। ये देखिए 18 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट इसकी रहेगी 4 जुलाई, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी फ़ीस डिपॉजिट होगी 5 जुलाई के शाम के 4 बजे तक। तो ये तो है इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आया है, ये देखिए 15/6/2019। अब ये जो है 1207 पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पर, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ABRC। ये वैसे तो पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कल ही रिलीव कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक साल पूरा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है इनका डिपार्टमेंट का। तो इसके लिए ABRC की जो 1207 पोस्ट हैं, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, पोस्ट का नाम है ABRC, असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। 1207 पोस्ट हैं टोटल, और ये जनरल की 334 पोस्ट हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन है। अब मेन पॉइंट्स ये है कि ABRC लगने के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, चेक करेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए दोस्तों, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, यानी कि MA फर्स्ट क्लास से आपकी होनी चाहिए। MA में कोई भी सब्जेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में जो है BEd होना ज़रूरी है दोस्तों। BEd हो या फिर MPhil हो या फिर UGC नेट क्वालिफाई हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट मास्टर डिग्री पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, और साथ में BEd हो और MPhil हो या फिर UGC नेट क्वालिफाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक क्लास तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्ततों, या फिर 10+2 BA या MA लेवल पर जो है आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन दोस्तों ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इन्होंने MA BEd मांग रखा है, तो कोई भी MA BEd कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आजकल कंप्यूटर की नॉलेज लगभग जो है सभी को होती है दोस्तों। और वैसे भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं हरियाणा सरकार की, सभी में कंप्यूटर जो है लगभग मांगते हैं। तो कंप्यूटर की ऑफिस की जहाँ तक बात है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर मेंशन देखिए MS ऑफिस आपको आना चाहिए, MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए दोस्तों। और ये देखिए एक्सेल का और एक्सेस का भी इन्होंने मेंशन किया है, MS एक्सेस डाटाबेस होता है, तो डाटाबेस का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना आना चाहिए। साथ में पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट में है स्लाइड वगैरह बनाना, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का सारा काम जो है पावर पॉइंट में होना है। तो दोस्तों जिनको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर किया जाएगा, इनके कहने का मतलब ये है। और साथ में जो है एज की जहाँ तक हम बात है, एज रहेगी 18 से 42 साल तक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। नियमानुसार छूट दी जाएगी दोस्तों, इस पैराग्राफ में है देखिए, रिलैक्सेशन इन एज SC BC SC ST OBC BC वगैरह के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें नियमानुसार छूट जो भी हरियाणा सरकार की तरफ से होती है वो दी जाएगी, वो इस पैराग्राफ में बात है। रही बात दोस्तों पे की, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है पे कितनी रहेगी, ये पे स्केल है यहाँ पे, तो ये पे स्केल है, इतनी सैलरी जो है दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस लगेगी दोस्तों 500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे मेंशन है, और 250 रुपये हैं फीमेल के लिए, SC BC एक्स सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये है। फीस कैसे देनी है,
फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो ये फीस का क्राइटेरिया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब रही बात कि सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये देखिए 100 नंबर का होगा वैसे तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के 100 नंबर में से 50 नंबर तो होंगे रिटर्न एग्ज़ाम का। ये देखिए यहाँ पे है, रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा 50 नंबर का, और 50 नंबर जो है वेटेज दी जाएगी जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेस पे। एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे देंगे ये देखिए यहाँ पे है वो, 10+2 अगर आप हैं तो उसके 5% नंबर मिलेंगे दोस्तों, 5 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम वेटेज। और ये है स्कोर, कैलकुलेशन ऑफ स्कोर है ये। ग्रेजुएशन के बेस पे 10 नंबर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो 25 नंबर है, और क्योंकि वैकेंसी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे है। कैंडिडेट बीएड है, एमफिल है, यूजीसी नेट क्वालिफाई है, 5 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज है तो 5 नंबर अलग से मिलेंगे, यानी कि एकेडमिक के टोटल 50 नंबर हैं और जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके 50 नंबर हैं। तो टोटल मिला के 100 हो गए दोस्तों, ये रिटर्न एग्ज़ाम का यहाँ पे मेंशन है। अब रही बात रिटर्न एग्ज़ाम का सिलेबस, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। अब रही बात टॉपिक, उसमें कौन कौन से होंगे ये देखिए, जनरल नॉलेज होगी उसमें, जीके बोलते हैं हम उसको, तो जीके इसमें थोड़ी बहुत इंडिया की होगी, हरियाणा की जीके भी इसमें आएगी। मेंटल एबिलिटी होगी, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड होगा दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी होगा। देखिए जिन्होंने बीएड किया है या जिन्होंने एमएड किया है या यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तो उसमें, या जिन्होंने जेबीटी किया है दोस्तों तो उनके लिए तो ईजी रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, क्योंकि उनका जाना पहचाना सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। साथ में जो है हिंदी और इंग्लिश होगी सिलेबस में, मैट्रिक लेवल की होगी दोस्तों, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका वो 2 घंटे का होगा। तो ये है एग्ज़ाम का सिलेबस, जो सिलेबस इसके अंदर मेंशन है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, तो इसी में से सारा आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। तो उसके बाद जो है इसके अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर मेन प्रोसेस ये है कि आपके जो डिग्री डिप्लोमे हैं सभी वैलिड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि आपके फेक हों, ये मेंशन इन्होंने कर रखा है, बाकी तो सारा नॉर्मल है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से 1207 पोस्ट जो है असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। पूरे सिलेबस की तैयारी करने के लिए जो सिलेबस इसके अंदर दे रखा है, ये पूरा का पूरा सिलेबस की वीडियो जो है इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।